यकीने कामिल की मेरी तमाम मोहतरम बहनों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। यकीने कामिल की इस वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो का मौजू औलाद के मुतल्लिक है। जब शादी हो जाती है तो सभी लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, कोई गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। इसकी वजह से वैसे परेशानी हो ना हो, बाकी लोगों की ये बातें सुनकर परेशानी शुरू हो जाती है। अगर खुदा ना खास्ता औलाद होने में वक्त लग जाए तो आज वो ज़बरदस्त अमल शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया है, जवाब दे दिया है, तब भी इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक तआला आपको औलाद की नेमत से नवाजेगा। एक खातून की आप बीती हैं कि 18 साल बाद उन्हें अल्लाह तबारक तआला ने इस अमल की बदौलत, इस वजीफे की बदौलत औलाद की नेमत से नवाज दिया। और ये अमल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बहुत ही मुजर्रब अमल है, इसको समाअत फरमाइए। हर बार की तरह मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि कोई भी अमल करना हो, अगर आप पूरे यकीन के साथ, पूरी नीयत से, खलूस नीयत से करेंगे तो ये हो नहीं सकता कि आपका वो अमल रायगा जाए। इंशाअल्लाह खलूस नीयत से किया गया अमल, यकीने कामिल से किया गया अमल ज़रूर तासीर रखेगा और इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत अल्लाह तबारक ताला तमाम बे औलादों को औलाद की नेमत से नवाज देगा। इसको करिए और खुद भी करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। इस अमल को कैसे करना है ये समाअत फरमाइए। अव्वल और आखिर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें और दरमियान में आपने 313 मरतबा कोशिश करें। इस अमल को दिन में एक वक्त करना है और वही वक्त फिक्स करें, फजर की नमाज के बाद कर लें तो क्या ही बात है। 313 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने पढ़नी है। इसको पढ़ते हुए तसव्वुर में रखिएगा कि अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से बहुत जल्द नवाज देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल। इसको करें और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो को सदका जारिया समझते हुए शेयर करें।